प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर मंगलवार को अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया, वहीं उनके जन्मदिन पर कई तरह की चीजें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यस्त कार्यक्रम तो हमने देखा और सुना भी है, वहीं उनकी दूसरी तरफ उनकी पत्नी जशोदा बेन ने भी मोदी की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। जशोदा बेन ने शहर के 10 मंदिरों में जाकर मोदी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि मोदी की पत्नी जशोदा बेन गुजरात के ऊंझा में अपने परिवार के साथ रहती है। चूंकि इस बार मोदी का जन्मदिन गणेश चतुर्थी के मौके पर पड़ा था, तो ऐसे में जशोदा बेन ने कहा कि मेरे पति मेरे लिए देवता की तरह हैं। पत्नी जशोदा बेन गुजरात में पारंपरिक तरीके से मनाए जाने वाले आनंद नू गरबो का आयोजन किया। ये कार्यक्रम उसी घर में था जहां सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारात आई थी। एक गुजराती अखबार की माने तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी सफलता की कामना करती हूं। मैं कामना करती हूं कि वो इस तरह दिन रात सफल हो और देश की सेवा करें। मैं चाहती हूं कि मेरे पति की प्रशंसा हो। मैं उनकी कामयाबी को दिन रात बढ़ते हुए देखना चाहती हूं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उनके जन्मदिन हो या ना हो, मैं हर दिन उनके लिए प्रार्थना करती हूं। मैं उनकी पत्नी होकर बेहद खुश हूं। उनके छोटे भाई कमलेश मोदी ने यह भी कहा कि वो नरेंद्र भाई का एक फोटो हमेशा अपने साथ रखती हैं। जबकि नरेंद्र भाई से संबंधित कुछ भी टीवी पर आता है तो वो बड़े ध्यान से टीवी देखती हैं। वो उनके बारे में अखबारों में छपने वाली हर खबर को पढ़ती हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि उन्हें नरेंद्र भाई से इतना लगाव क्यों है, तो कहती हैं कि जब उनके पति देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर सकते हैं तो मैं इतना भी त्याग क्यों नहीं कर सकती। यानी कि एक मिसाल कायम की है नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन ने और एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली हैं। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।